गर्मी महसूस हो रही है उससे? अरे गर्मी गर्मी चढ़ गई अब तो। ओ गर्मी चढ़ गई लगे हुए। हमारी कोई ब्रांच नहीं है, हम चाहो तो सामने। चिकन के विंग तुम खाए होंगे ना, बटर की विंग भी देख ले, ये छोटे छोटे सही है, देखो टाइनी टाइनी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? तो एक बार फिर कराची में सर्दी आ गई, और सर्दी के अंदर रात के औकात में अगर ज़बरदस्त किस्म की यखनी सूप मिल जाए तो क्या ही बात होती है। तो आज एक बार फिर हमारा मकाम है नाज़माबाद पापोश, मगर ये खिलाफत चौक वाला पेशावरी सूप नहीं है, बल्कि ये है आबादी शहीद अस्पताल के करीब बटेर की यखनी का सूप। तो यहाँ ज़रा के पी के देखते हैं, क्योंकि लोग बहुत तारीफ़ करते हैं, और रश भी आपको नज़र आ रहा होगा, माशाल्लाह बहुत रश है रात के इस पहर के अंदर भी। तो हम लोगों से भी बातचीत करेंगे और पी केयर भी देखेंगे, रिव्यू देखेंगे आपको कितना अच्छा होता है, किस तरीके से बनाते हैं, तमाम तर तफसीलात देंगे, हमारे साथ रहिएगा। दो अंडे वाली अपनी दे दो, आ जाओ दो भाई बना। नहीं चले 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 जाएँ। देखें जी, माशाल्लाह से फैमिलीज़ भी आई हुई होती हैं, और बहुत बड़ी तादाद है। नहीं देखें, जहाँ 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 देखेंगे वहाँ तक आपको लोग बैठे हुए नज़र आएंगे। पार्सल तो बहुत बड़ी निज़ाम में हो ही रहा है, बड़ी तादाद में लेकर जाते हैं, मगर पीने वालों की भी बहुत बड़ी तादाद है भाई, यही जो बैठ कर पसंद करती है। और यहाँ ही पर ये यखनी भी तैयार होती रहती है, पहले से तैयार करके आते हैं, मगर उसको मज़ीद तैयार करने के लिए यहाँ पर इंतज़ाम होता है। और ये रश देखें माशाल्लाह से जी, ज़्यादातर तो यखनी वाले हैं, क्योंकि बटेर की यखनी तो कराची वालों को तो वैसे ही बहुत कम नसीब होती सर्दी, और सर्दी में बटेर की यखनी मिले तो क्या बात होगी। हम लोग याकताबाद से। याकताबाद से आए हो? अच्छा अच्छा, ज़बरदस्त। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट का सफ़र किया है, तो लगता है वर्थ है इसकी? बहुत है भाई, सर्दी ने तो फाड़ दी है। अच्छा सर्दी खत्म हो गई? अभी जो स्टार्ट किया पीना, मज़ा आया फिर? और ये बटेर कितना कैसा है ये बटेर? बाकी बहुत छोटा सा नहीं है बटेर? तो बहुत है, इसको पोलिया हो गया था। अच्छा बटेर को पोलिया हो गया। बाकी यखनी कैसी, जो मेन चीज़ है? गर्मी महसूस हो रही है उससे? अरे गर्मी गर्मी चढ़ गई अब तो। ओहो गर्मी चढ़ गई लगे हुए, ठीक है। तो जी फाइनली हमने भी आप लोगों से बातचीत करने के बाद ऑर्डर दे दिया, और अब खाकर देखते हैं कि बटेर का सूप किस तरीके का है, मज़ा आता है या नहीं। तो हम भी ज़रा पीकर देखने वाले हैं। ऑर्डर दे दिया हमने जी। अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए, हरी मिर्च का पेस्ट चाहिए? हरी मिर्च का पेस्ट चाहिए। अच्छा जी, ये हमारी आ गई जी एक, तो ये आ गया। और यखनी लेनी है हमने, बस के बाद एक बटेर दो अंडे वाली आई है, ले लियो ना, दोनों पकड़ ले। चला जी ये भी आ गई, ये एक दिया आपने, दो दिए मैं? एक दिए, एक अंडे वाली है। एक अंडे वाली, अच्छा अच्छा अच्छा। चलें जी ये भी आ गई हमारी, कहते दोनों पकड़ ले भाई मेहरबानी कर। चलें जी ये आ गई हमारी, और अब तक पी कर देखने वाले हैं। अच्छा भाई, अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये इसमें शुरू कहाँ से करें यार। ये देखें, ये ऐसा लगता है पोलियो हो गया है, छोटी छोटी टांगे हैं, तो बस इनमें तो हड्डियाँ ही होंगी, गोश्त कहाँ होगा। खैर लेकिन वैसे ही ये जो बटेर वाला सूप है वो 100 रुपये का है लगभग, उन्होंने पैसे दिए थे, अब पता नहीं कितने दिए उन्होंने, कीमत पूछ लेंगे उनसे, ज़रा बातचीत करते हैं फिर आपको बताते हैं। फिर चिकन जैसा ही जायका है इसका, बटेर का जायका इतना मुख्तलिफ नहीं होता, मगर जो यखनी है ना उसकी, इसमें जो बनी हुई है उसमें ज़रा चेक करते हैं। चकरी बाकी पते की है यार, कम से कम 8 तो है भाई, मुर्गी के रेशे वगैरह भी हैं? बटेर के रेशे नहीं है भाई, मेरे दोस्त कह रहा है ये बटेर के रेशे, मैं कह रहा हूँ इसमें गोश्त कहाँ है, इसमें रेशे निकलेंगे, इसमें गोश्त होगा तो रेशे निकलेंगे ना भाई, ये मुर्गी के रेशे हैं। और ये इधर में चिकन उनके ये हरी मिर्च का पेस्ट डाल के दिया ताकि थोड़ा सा स्पाइसी हो जाए, काली मिर्च भी छिड़की हुई है ऊपर से। ये देखें जी छोटा सा बटेर, ये नन्ही सी जान ये जा रही मुँह में, मुझे समझ लिया कि कमर फारिग कर दी एक निवाले में भाई ने। लेकिन जो मेन चीज़ है यखनी मज़े की, यखनी का जायका है, आपको आके जो इसका फ्लेवर है ना, जिस तरह पकती है 4-5-8-10 घंटे, तो लगता है कि यखनी उस तरह पकी हुई है प्रॉपर तरीके से। और इसमें जाहिर सी बात है हड्डियाँ भी डली होंगी, ये बटेर भी डला होगा, मगर जायका बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा देखें भाई, मैं काफ़ी देर से ढूंढ रहा था कि मुझे विंग्स मिल जाएँ, तो हमने चिकन के विंग्स तो खाए होंगे ना, बटर की विंग्स भी देख लेंगे, छोटे छोटे सही है देखें, टाइनी टाइनी से,
पता नहीं, गोश्त तो आया नहीं मुँह में, हड्डी आई है बस। अब इसकी कीमत ही मालूम करनी है ना, तो कीमत माँ जो बनाते हैं उनसे मालूम करते हैं कि किस तरीके से बनाते हैं। क्योंकि हमने तो खाकर पास कर दिया, बाकी बहुत मज़े का है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये हल्की सी सर्दी जो महसूस हो रही थी वो ख़त्म हो गई इसको पीने के बाद। तो अब जो बनाते हैं, जो बेच रहे हैं, उनकी कीमत भी मालूम करते हैं और कहाँ लगाते हैं ये भी बताते हैं। और हमारे साथ रहिएगा फिर जी। अकरम नाम है मेरा, और बटेर की यखनी और चिकन कौन सी हम यहाँ पर रोक कर रहे हैं। जी हाँ, बटेर की यखनी कैसे बनाते हैं, क्या है मतलब, बटेर कुछ रखते हैं, क्या करते हैं? जी हाँ, बटेर की फार्मिंग भी हम करते हैं, इसके बनाना भी हमारे हाथ में, सब कुछ हमारे पास। इसकी यखनी बनाते पकाते हैं इसको? जी हाँ, ये सुबह से शाम तक ये सारा प्रोसेस होता है, बटेर पकते रहते हैं। जी हाँ, बटेर होता है। क्या तरीके का है, कितने रुपए से कितने रुपए तक का है? सादा जो है 30 रुपए का है, अंडे वाला 50 का है, बटेर के साथ 100 रुपए का है। बटेर के 50 रुपए है? जी हाँ, हमारी कोई ब्रांच नहीं है, हम चाहो तो सामने। तो भाई फाइनली आपने एड्रेस भी सुन लिया कि कहाँ पर है ये और क्या कीमतें और किस तरीके से बनाते हैं। कहते हैं अपनी फार्मिंग करते हैं, वो करते भी होंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से तकरीबन 500 से ज़्यादा तो बटेर की यखनियाँ निकलती होंगी, कम से कम भी बटेर तो। हाँ, इतनी क्वांटिटी में फार्मिंग भी हो सकती है। और दूसरा ये कि सबसे अच्छी बात कि यखनी है सस्ती, 50 रुपये में आके आप बटेर की यखनी पी सकते हैं। और जो दावा है कि हमसा हो तो सामने आए, तो वाकई इस दावे में सच्चाई भी कुछ हद तक है। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और पसंद आए तो यूट्यूब और फेसबुक पर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।